निवा बुपा रीश्योर वन ऑफ इंडियाज बेस्ट सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस में से एक है। आज के इस वीडियो में हम निवा बुपा रीश्योर के सारे बेनिफिट्स, फीचर्स और क्लेम प्रोसेस के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यदि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीश्योर निवा बुपा का फ्लैगशिप प्रोडक्ट में से एक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हर इंश्योरेंस कंपनी के हर इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, मतलब कि 30 दिन से पहले आपकी कोई भी बीमारी कवर नहीं होती है एक्सीडेंट को छोड़कर। ये क्लॉज निवा बुपा में भी है, रीश्योर में भी है, लेकिन कोविड रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट हैं आपके 15 दिन से ही कवर होने लग जाते हैं। इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है रीश्योर का, जो कि इस पॉलिसी के नाम में ही है, इसमें क्या होता है कि एक बार आपने अपना बेसिक सम इंश्योर्ड कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेस्टोरेशन या फिर रीइंस्टेटमेंट मिलते हैं। रेस्टोरेशन क्या होता है, आपके एक बार बेसिक सम इंश्योर्ड के कंज्यूम हो जाने के बाद कंपनी आपको वापस से उतना ही सम इंश्योर्ड अगले हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दे देती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपके पहले क्लेम से ट्रिगर हो जाता है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है पूरा आपका बेसिक सम इंश्योर्ड कंज्यूम हो जाने के बाद ही आपको रीइंस्टेटमेंट या फिर रेस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपका 5 लाख की पॉलिसी है और आपका पहला हॉस्पिटलाइजेशन 3 लाख रुपये का होता है, तो नेक्स्ट क्लेम के लिए आपके पास 2 लाख रुपये जो सम इंश्योर्ड बेसिक सम इंश्योर्ड के बचे हुए हैं, उसके अलावा आपके पास रेस्टोरेशन का बेनिफिट जो मिलेगा वो भी अवेलेबल रहेगा। मतलब 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख तक का क्लेम अगली बार आप कर सकते हैं। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बार रेस्टोरेशन का बेनिफिट देते हैं, लेकिन रीश्योर में आपको अनलिमिटेड टाइम रेस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कैपिंग होती है इस टाइप की कि रेस्टोरेशन का बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए नहीं मिलेगा। मतलब आपको बेसिक सम इंश्योर्ड कंज्यूम हो जाने के बाद आपको रेस्टोरेशन तो मिल रहा है लेकिन आप उसी बीमारी के लिए क्लेम नहीं कर सकते जिस बीमारी के लिए आपने पहले क्लेम ले रखा है या फिर इस अपने बेसिक सम इंश्योर्ड को कंज्यूम किया हुआ है। दूसरा, इसमें इस टाइप की भी कोई कैपिंग नहीं होती है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ में होता है कि आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेस्टोरेशन तो मिल रहे हैं लेकिन दो हॉस्पिटलाइजेशन के बीच में आपका 30 दिन या 45 दिन का गैप होना चाहिए, तो इस टाइप की भी इसमें कोई सब लिमिट नहीं है। एक डाउट जो बहुत सारे क्लाइंट मेरे से पूछते हैं कि जब हमको 5 लाख की पॉलिसी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेस्टोरेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो फिर क्यों हम 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख की पॉलिसी लें। तो देखिए, दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं। क्या होता है, यदि हमारे पास 5 लाख की पॉलिसी है तो जब हम पहला क्लेम करने जाएंगे तो हमको सिर्फ 5 लाख तक का ही क्लेम मिलेगा, उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेशन का जो बेनिफिट है पहले हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ट्रिगर होता है, पहले से ही अवेलेबल नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे एरिया में हमारे आसपास जो मेडिकल की कॉस्ट है उसके हिसाब से एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। रेस्टोरेशन के जो बेनिफिट हैं वो सब सेकेंडरी। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है इसका हायर नो क्लेम बोनस। ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आपको 10% का नो क्लेम बोनस देती हैं, मतलब क्लेम फ्री ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर में आपका जो क्लेम आपका जो सम इंश्योर्ड है 10% से बढ़ जाता है। और यदि आपको उससे हायर नो क्लेम बोनस चाहिए रहता है तो फिर उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन रीश्योर में इनबिल्ट 50% का आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, मतलब कि 2 सालों में आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है डबल हो जाएगा। बहुत सारी जो पॉलिसीज होती हैं आपको रिन्यूअल के टाइम पर हेल्थ चेकअप ऑफर करती हैं, लेकिन रीश्योर में आप डे 1 से ही अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, जिसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन रूटीन, ESR, ब्लड ग्लूकोज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कोलेस्ट्रॉल, कंप्लीट फिजिकल चेकअप, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, विटामिन डी, इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड, लिवर फंक्शन टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट करवा सकते हैं। हेल्थ चेकअप बेनिफिट 500 रुपीज़ पर लैक ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी एंड फॉर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी इट इज़ अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000। अगला जो बेनिफिट है इस पॉलिसी का वह है लिव हेल्दी बेनिफिट। इसमें आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने पर आपके प्रीमियम में रिन्यूअल के टाइम पे 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको मैक्स बुपा का हेल्थ ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपके स्टेप काउंट के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है। पर 1,000 स्टेप्स के लिए एक पॉइंट होता है। इस डिस्काउंट को या इस बेनिफिट को अवेल कराने के लिए आपको अपनी पॉलिसी इशू होने के 30 दिन के अंदर इस ऐप को डाउनलोड करना है।
कुछ नॉर्मल फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होते हैं, जैसा कि इन पेशेंट केयर, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन के सारे चार्जेस पे कवर मिलेंगे बिना किसी कैपिंग के, चाहे वह रूम रेंट हो, डॉक्टर की फ़ीस हो, इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट हो, दवाइयाँ हो या फिर ऑपरेशन के चार्जेस हो, डे केयर ट्रीटमेंट, बहुत सारे कॉस्टली ट्रीटमेंट जिनमें 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ऐसे ट्रीटमेंट डे केयर ट्रीटमेंट में आते हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी आपके पॉलिसी में कवर रहेंगे, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी हुई, एंजियोग्राफी, डायलिसिस एट्सेट्रा। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपकी पॉलिसी में कवर होंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट जो मॉडर्न ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ब्रेन स्टिम्यूलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, रेडियो सर्जरी, स्टीम सेल थेरेपी एट्सेट्रा। एलोपैथी के अलावा आप अल्टरनेट ट्रीटमेंट के भी जो चार्जेस हैं कंसिडर रहेंगे, जैसे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए यदि आप कहीं हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो वो भी आपकी पॉलिसी में कवर रहेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन होने के 60 दिन पहले से लेके 180 दिन बाद तक के आपके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी में कवर होंगे, जिन्हें आप रिइंबर्समेंट करवा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होंगे वह भी कवर होंगे आपकी पॉलिसी में। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जब किसी पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो कि उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता या फिर आसपास के किसी हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल ना हो, तो ऐसे केस में आप अपने घर में ही ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि कम से कम 3 दिन से ज़्यादा चलना चाहिए, तो इस ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वह भी आप रिइंबर्समेंट क्लेम करवा सकते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर में। ऐसे ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी, डायलिसिस जैसे ट्रीटमेंट के लिए होम केयर ट्रीटमेंट के भी जो बेनिफिट हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के समय यदि हम किसी डॉक्टर से मेडिकल ओपिनियन लेते हैं किसी दूसरी जगह, तो ऐसे सेकेंड ओपिनियन की कॉस्ट भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर रहेगी। इमरजेंसी रोड एंड एयर एम्बुलेंस के बेनिफिट भी आपकी पॉलिसी में अवेलेबल रहेंगे। अदर बेनिफिट देखें तो शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट, मतलब कि जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं और सिंगल प्राइवेट रूम की जगह यदि शेयर्ड रूम लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ कैश अमाउंट पे करती है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप शेयर्ड रूम लेते हैं तो जो ओवरऑल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। यदि इंडिविजुअल पॉलिसी में आप दो से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड करके इसे फैमिली फ्लोटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है आपकी पॉलिसी में। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट अलग से मिलता है। यदि पॉलिसी रिन्यूअल के लिए आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑटो डेबिट के लिए तो एडिशनल 2.5% का डिस्काउंट भी अवेल करा सकते हैं। सेक्शन 80D में टैक्स सेविंग और 15 डे फ्री लुक पीरियड, तो ये तो कॉमन ही होता है हर पॉलिसी के लिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं जिन्हें आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अवेल करा सकते हैं, जैसा कि हॉस्पिकेश, जिसमें आपको कुछ कैश पेमेंट मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन 48 आवर से भी ज़्यादा का होता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जिसमें आपको एक लमसम पेमेंट मिलता है एक्सीडेंटल डेथ और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में। तीसरा एड ऑन है सेफ गार्ड का, जिसके अंदर आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो है क्लेम सेफ गार्ड, जिसमें आपके सारे नॉन मेडिकल, नॉन पेएबल, कंज्यूमेबल चार्जेस जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं, जैसे कि PPE किट, ग्लोव, सीरेंज, ऑक्सीजन मास्क, ये सब कवर हो जाते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है बूस्टर सेफ गार्ड का, इसमें आपको जो भी बूस्टर बेनिफिट या फिर नो क्लेम बोनस जो मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर के लिए 50% का, वह लैप्स या फिर कम नहीं होगा यदि आपका जो क्लेम है 50,000 से कम आता है और आप इस एड ऑन को लेते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है सम एश्योर्ड सेफ गार्ड का, यह एड ऑन आपके सम एश्योर्ड को महंगाई के हिसाब से ऑटोमेटिक बढ़ाते जाता है। निवब ऊपर रीअश्योर में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जो कि लगभग सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कॉमन है। 2 ईयर्स का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है स्लो ग्रोइंग डिसीजेज़ के लिए, जो कि एकदम से जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, नी रिप्लेसमेंट वगैरह। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए आपको 3 ईयर का वेटिंग पीरियड मिलता है। यदि आप इस पॉलिसी के थ्रू क्लेम करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मोबाइल ऐप, वेबसाइट या फिर कस्टमर केयर कहीं से भी अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी उसे इन्फॉर्म करा सकते हैं। यदि कैशलेस करा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में ही TPA डेस्क पे सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि रीइंबर्समेंट करा रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। यदि आप रीइंबर्समेंट करा रहे हैं तो आपको 48 आवर्स के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना ज़रूरी होता है। यदि आपको
निवा बुपा रीश्योर या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।